हेलो एवरीवन वेलकम टू क्लास अलेवन्थ फिजिक्स क्लासेस इस वीडियो में हम कुछ बेसिक चीजों के बारे में पढ़ेंगे कि फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होती हैं डराइव्ड क्वांटिटीज क्या होती हैं यूनिट किसे कहते हैं किसी यूनिट का मतलब क्या होता है तो पहला जो टॉपिक है वो है फिजिकल क्वांटिटीज फिजिकल क्वांटिटीज़ फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं? वो सभी क्वांटिटीज जिनको हम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मेजर कर सकते हैं और जिनसे हम फिजिक्स के लॉ को एक्सप्लेन कर सकें ऑल क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एंड इन टर्म्स ऑफ विच लॉज ऑफ फिजिक्स कैन बी एक्सप्ले उनको हम क्या कहते हैं फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं जैसे लेंथ है मास है वेलोसिटी है एसेलरेशन है फोर्स है ये सारी की सारी जो क्वांटिटीज हैं, जो भी फिजिक्स में हम लोग यूज करेंगे उसको हम फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं फिजिकल क्वांटिटीज दो टाइप की होती है एक होता है फंडामेंटल क्वांटिटी और एक होता है डेराइव क्वांटिटी तो ये दो टाइप्स की होती है फंडामेंटल क्वांटिटीज फंडामेंटल क्वांटिटीज और नंबर सेकंड होता है डराइब क्वांटिटीज फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होती है वे सभी क्वांटिटीज जो किसी दूसरी क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं होती है दैट डू नॉट डिपेंड ऑन अदर फिजिकल क्वांटिटी फॉर देयर मेजरमेंट आर नोन एज फंडामेंटल क्वांटिटीज दीज क्वांटिटीज डू नॉट टेक सपोर्ट ऑफ अदर फिजिकल क्वांटिटीज फॉर इट्स मेजरमेंट वो अपने मेजरमेंट के लिए किसी दूसरी फिजिकल क्वांटिटी का सपोर्ट नहीं लेती हैं तो ऐसी क्वांटिटीज को हम बोलते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज तो ये होती हैं लेंथ मास टाइम टेम्परेचर इलेक्ट्रिक करंट ल्यूमिनस इंटेंसिटी और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस अमाउंट ऑफ सब्सटेंस ये सारी फंडामेंटल क्वांटिटीज होती है इनके लिए किसी दूसरी क्वांटिटीज का सपोर्ट की जरूरत नहीं होती है इन क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए अब डेराइव क्वांटिटीज क्या होती हैं? वे सभी क्वांटिटीज जो फंडामेंटल क्वांटिटीज की हेल्प से डराइव की जाती हैं, उसको हम लोग डराइव क्वांटिटीज कहते हैं ऐसी क्वांटिटीज जो फंडामेंटल क्वांटिटीज विच कैन बी डराइव फ्रॉम अदर फिजिकल क्वांटिटीज जो दूसरी फिजिकल क्वांटिटीज से डेराइव की जाती है उनको हम बोलते हैं डराइव क्वांटिटीज जैसे वेलोसिटी है वेलोसिटी वेलोसिटी इक्व टू होता है डिस्प्लेसमेंट अबॉन टाइम तो ये लेंथ है ये टाइम है तो विलासिटी दो फंडामेंटल क्वांटिटीज से मिलकर बना हुआ है तो ये एक डराइव क्वांटिटी है ऐसी एसलरेशन एसलरेशन होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम तो ये भी कैसी हो गई डेराइव क्वांटिटीज हो गई फोर्स एफ इक्वल्स टू एम ए मास इनटू एसलरेशन तो ये भी कैसी क्वांटिटी हो गई डेराइव क्वांटिटीज तो फिजिकल क्वांटिटीज जो भी फिजिक्स में यूज होती, होती है वो सारी फिजिकल क्वांटिटीज होती है फिजिकल क्वांटिटीज दो टाइप की होती है एक फंडामेंटल क्वांटिटीज और डराइब क्वांटिटीज फंडामेंटल क्वांटिटीज ऐसी क्वांटिटीज होती है जिनको मेजर करने के लिए दूसरी क्वांटिटी की हेल्प नहीं लेनी पड़ती है ऐसी funda, ऐसी क्वांटिटीज को फंडामेंटल क्वांटिटीज कहते हैं अब डराइव क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती है जिनको जिनके लिए फिजिकल क्वांटिटीज दूसरी फिजिकल क्वांटिटीज की हेल्प हेल्प ली जाती है उन्हें हम बोल, हम लोग बोलते हैं डेराइब क्वांटिटीज अब अगला है कि यूनिट क्या होता है यूनिट यूनिट किसे कहते हैं तो यूनिट ऑफ अ मेजरमेंट इज अ डेफिनेट मैग्नीट्यूड ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी डिफाइंड एंड डिनोटेड बाय कन्वेंशन और लॉस हम उनको लॉस से प्रूफ करके बनाते हैं उनको हम यूनिट कहते हैं वो पहले से ही फिक्स रहता है जैसे हम बोलेंगे कि टेन मीटर टेन मीटर लेंथ की यूनिट है मीटर अब टेन मीटर का मतलब क्या है मीटर इज द यूनिट ऑफ लेंथ डेट रिप्रेजेंट अ डेफिनेट प्री डिटरमाइंड लेंथ जो मीटर है वो डेफिनेट प्री डिटरमाइंड लेंथ है अब टेन मीटर का मतलब क्या हो गया टेन टाइम्स द डेफिनेट प्री डिटरमाइंड लेंथ टेन टाइम्स द डेफिनेट प्री डिटरमाइंड लेंथ लेंथ जैसे एग्जांपल अगर हम लेते हैं हमने कहीं पे एक कपड़ा लेना है हमने दो मीटर कपड़ा लेना है तो हम एक दुकान में गए वहां पे दो मीटर इतना बड़ा है सपोज ये दो मीटर है तो हम हमें इतना कपड़ा मिलेगा अब अगर ये फिक्स नहीं होगा तो दूसरी दुकान में इसका लेंथ बड़ा भी हो सकता है छोटा भी हो सकता है तो ऐसे दो मीटर कपड़े की जो क्वांटिटी है वो कम या ज्यादा हो जाएगी अगर ये फिक्स ना हो अब ये क्या है ये फिक्स है हमने अगर दो मीटर लेना है तो हम एक, एक मीटर को फिक्स करते हैं कि एक मीटर इतना है तो दो मीटर करना है तो हमने इसको डबल कर देना है अगर दस मीटर करना है तो हमने इसको टेन टाइम्स कर देना है उस प्रीडिटरमाइन लेंथ को हमने टेन टाइम्स कर देना है इसको हम यूनिट कहते हैं ये पहले से ही फिक्स रहता है तो ये कुछ चीजें होती हैं जिनके बारे में हम आगे को पढ़ते रहेंगे हम आगे काफी यूज करते हैं तो उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होती हैं डिराइव क्वांटिटीज क्या होती हैं और यूनिट कैसे कहते हैं